Good morning, dear student. Today is our Hindi class. All of you take your book and open page number 46. Lesson number 10, Apni Pehchan. इससे पहले हम lesson 9, वीर की अधीक्ता के बारे में पढ़ चुके हैं. आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना चैप्टर है, lesson number 10, अपनी पहचान. चैप्टर का नाम है अपनी पहचान. देखिए, चलिए अपने बुक के अंदर और क्या है इस पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. एक भिखारी था. आप सभी अपनी बुक लीजिए और मेरे साथ साथ बुक के अंदर ध्यान से चैप्टर को पढ़िए और उसको समझिए. एक भिखारी था, वह दिन भर भीख मांगता. थोड़ा बहुत जो कुछ मिलता उसे खाकर सो जाता. कभी कभी उसे जीवन से घोर निराशा होती. वह सोचता शायद उसके भाग्य में गरीबी ही लिखी है. एक दिन वह भीख मांग रहा था, जब कोई राहगीर उसके पास से गुजरता वह कहता, दाता गरीब का भला करो, भगवान तुम्हारा भला करेगा. एक राहगीर ने भिखारी से कहा, क्या तुम अपनी चीज बेचोगे? भिखारी सोचने लगा, मेरे पास बेचने के लिए है ही क्या. वह राहगीर से बोला, दाता गरीब की हंसी क्यों उड़ाते हो? राहगीर बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा. तुम अपना बाया हाथ 1,000 रुपये में मुझे बेच दो. भिखारी ने इसका जवाब दिया, वाह, कई हाथ भी बेचा जाता है. राहगीर ने बोला, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो. भिखारी बोला, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं बेच सकता. अब राहगीर ने कहा, अच्छा हाथ नहीं सही, 10,000 रुपये में अपने दोनों पैर ही बेच दो. भिखारी ने कहा, नहीं है भी नहीं हो सकता. रागी ने 20,000 रुपये में उसकी आंखें मांगी. तो भिखारी झल्ला उठा, अरे बाबा जाओ, क्यों गरीब के पीछे पड़े हो? रागी ने कहा, कैसी बात करते हो, तुम गरीब कैसे हो जिसके पास 5,000 के दो हाथ, 10,000 के दो पैर और 20,000 रुपये की दो आंखें हैं, वह गरीब कैसे हो सकता है? अरे भाई, तुम तो बहुत बड़े अमीर हो. अब भिखारी की आंखें खुल गई, वह रागी के पैरों में झुकने लगा. रागी ने उसे रोकते हुए कहा, झुको मत, उठो और काम करो. भगवान ने तुम्हें संसार की बहुत बड़ी संपत्ति दी है और अपने को पहचानो. तो बच्चों, अपने चैप्टर ने रीड किया, इसमें देखो कि एक बार एक भिखारी होता है, वह भीख मांगता है. क्या करता है? वह भीख मांगता है. तब क्या होता है कि भिखारी होता है, वह भीख मांगता है, तब क्या करते हैं उसमें कि उसको जो कुछ भी मिलता है उसको वह खाकर सो जाता है. तो उसको कभी कभी ऐसे फील होता है कि घोर निराशा होती है कि मैं कैसे, कहाँ गहरे अंधकार में वह सोचता है, उसको आशा का अभाव होता है, निराश होता है वह, और सोचता है शायद उसके भाग्य में. वह क्या सोचता है कि वो तो भीख मांगने से तो उसको मिल जाता है, तो फिर क्या सोचेगा, वो तो दिन भर खा के पड़ा रहता है. फिर क्या सोचता है वह कि मेरे भाग्य में ऐसा ही गरीबी लिखा हुआ है. तो एक दिन भिखारी भीख मांगता है, तो उसके पास एक राहगीर, एक यात्री. राहगीर मीन्स क्या होता है? यात्री. वहां से निकल रहा होता है, गुजरना यानी निकलना. तो कहता है, दाता गरीब का भला करो. दाता मीन्स देने वाला. कि गरीब जो भिखारी होता है, वो जो रागी निकलता है उससे कहता है कि दाता गरीब का भला करो. तो भिखारी ने कहा, एक रागी ने, जो यात्री था, उसने भिखारी से कहा, क्या तुम अपनी चीज बेचोगे? तो भिखारी ने कहा, मेरे पास है, बेचने के लिए है ही क्या. तो दाता ने और क्या कहा कि मेरे गरीब की हंसी उड़ाते हो. तो रागी बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रहा. रागीर ने बोला, जो यात्री था उसने बोला, बच्चों कि मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ. तो उसने कहा, अपना बाया हाथ मुझे 1,000 रुपये में बेच दो. कि मुझे तुम्हारा जो एक हाथ है वो मुझे कितने में बोला, 1,000 रुपये में बेच दो. भिखारी ने कहा कि वाह, कभी हाथ भी बेचा जाता है? तो रागीर ने कहा, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दो, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो. तो भिखारी तब भी मना किया कि कभी हाथ अपना बेचा जाता है क्या. तो रागीर बोला, अच्छा ना, हाथ ही सही, तो अपने दोनों पैर मुझे दे दो. तो भिखारी ने कहा, ये भी नहीं हो सकता. पैर कितने रुपए में मांगे उसने? 10,000 में. और हाथ 5,000 रुपये में. तो उसने कहा, ये भी नहीं हो सकता. तो रागीर ने कहा, अपनी जो दो आंखें हैं वो मुझे 20,000 रुपये में दे दो. तब भी उसने उसको फिर क्या हुआ, भिखारी को गुस्सा आया, चल्ला उठना, गुस्से में आना, गुस्से में आया और बोले, जाओ यहाँ से, गरीब के पीछे क्यों पड़े हो? तो फिर रागीर ने कहा, तुम कैसी बात करते हो, जिसके पास 5,000 के दो हाथ, 10,000 के दो पैर और 20,000 के दो आंखें हैं, वो भला गरीब कैसे हैं?
तो उसे, अरे भाई तुम तो बहुत बड़े अमीर हो। किसने कहा? रागी ने उस भिखारी से कहा कि तुम तो बहुत अमीर हो। अमीर यानी धनी, पैसे वाला। तो तुम तो बहुत पैसे वाले हो जिसके पास इतने सब कुछ है। तो अब भिखारी की आंखें खुल गई और वह रागीर के पैरों में झुकने लगा। अब भिखारी को ज्ञान हो गया, आंखें खुलना ज्ञान होना और भ्रमित होना। तो उसको ज्ञान हो गया कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पास दो आंखें थी, दो हाथ थे, दो पैर थे, जैसे सब इंसानों के उसे उसके पास भी सब कुछ था, लेकिन उसको मांगने पर सब मिल जाता था, इसलिए उसके शरीर में आलस भरा पड़ा था। तो वह कमाना नहीं चाहता था, इसलिए वह भीख मांगकर खाता था और उसका काम चल जाता था। तो वह एक रागी ने उसकी आंखें खोल दी। क्यों? जब उसने उसकी आंखें बेचने को कहा, हाथ बेचने को कहा, पैर बेचने को कहा, तब उसकी भिखारी की आंखें खुल गई और आंखें खुल गई और उसको ज्ञान हो गया कि मेरे पास में सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं कमाता हूँ। रागी ने उसे रोकते हुए कहा, झुको मत, उठो और काम करो, झुको मत और उठो काम करो, कि तुम किसी के आगे झुको मत और उठ के अपना काम करो। भगवान ने तुम्हें संसार की बहुत बड़ी संपत्ति दी है, भगवान ने तुमको बहुत बड़ा धन दिया है, तुमको बहुत बड़ी इतनी संपत्ति दी है, और खुद को पहचानो और आगे के काम करने में सफल हो। तो बच्चों, हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति दिया है तो उसे हमें हार न मानना। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति आए, उसको हमें डट कर सामना करना है और उस कठिन परिस्थिति को सही समय के साथ उसको व्यतीत करना है और कठिनाइयों की संघर्ष करना है और अपनी मंजिल, अगर हम कठिनाइयों से सामना करेंगे तो हमें स्वतः ही मंजिल प्राप्त हो जाएगी। अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो उस मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो हमें कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना बच्चों, सुना होगा आपने। तो हमारे जीवन में कैसी भी कठिन परिस्थिति आए तो हमें उसको उससे घबराना नहीं है और उसका हमें डट कर सामना करना है और उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करना है। तो बच्चों, जिस तरह इस चैप्टर में राहगीर और भिखारी के बारे में आपने पढ़ा कि भिखारी था, वो भीख मांग के खाता था। तो एक दिन राहगीर जब जा रहा था तो उसके पास पैसे मांगे ये, तो फिर उसकी सब उसको उसके हिसाब से उसने बताया कि पहले क्या बोला, हाथ बेच दे, तो क्या बोलता है, हाथ कौन बेचता है, पैर बोला, पैर के लिए मना किया, आंख के लिए भी मना किया। तो फिर बच्चों उसकी आंखें, भिखारी की आंखें खुल गई कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं मेहनत करके क्यों कमा के नहीं खाता हूँ। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमको यही शिक्षा मिली कि खुद को पहचान कर जो भी कठिनाइयां आए उसका सामना डटकर करना है, हमें घबराना नहीं है और उस परिस्थिति में हमें निकलने की कोशिश करनी है। और हम जब हम कठिनाइयों का परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ेंगे तो उस मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है और जिस तरह से चैप्टर पढ़ा है हमने, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और इसको इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी है और कठिनाइयों का संघर्ष से सामना करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इस चैप्टर को एक बार फिर से आप पढ़ेंगे और समझेंगे और जो शब्द आते हैं इसके अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। बाकी की जो एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगी। ओके, तो इस चैप्टर को अगर फिर से पढ़ना है, मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और भी कुछ डाउट है आपको तो मुझे आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।